आप देख रहे हैं डीबीएन न्यूज और मैं हूं एम राजा। आपत्तिजनक स्थिति में पुलिस के हत्थे चढ़ा 8 प्रेमी युगल। पुलिस ने होटल संचालक व मैनेजर को भी हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर आईजी कॉलोनी स्थित दो होटलों में पुलिस ने बुधवार को विशेष टीम बनाकर छापामारी कर 8 प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए। पुलिस ने पूछताछ के बाद महिलाओं को महिला पुलिस के हवाले कर दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शेष खबरों के लिए देखते रहें डीबीएन न्यूज। टीएनडी एकेडमी पोहद्दी बेला घनश्यामपुर दरभंगा सर्व शिक्षा अभियान द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय जो मेधावी छात्र छात्राओं के लिए विशेष रूप से यहां जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं उनके लिए यहां पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था है। प्रतिवर्ष विद्यालय के स्थापना दिवस यानी 9 जनवरी से सरस्वती पूजा तक नामांकन में विशेष छूट दी जाती है। जहां नामांकन प्रारंभ है वर्ग रोहतास से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां एक छात्र की मौत जवाहरलाल नेहरू आवासीय विद्यालय में संदिग्ध अवस्था में हुई है। सासाराम रोहतास जिले के पंडित जवाहरलाल नेहरू आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र की संदिग्ध स्थिति में गुरुवार को मौत हो गई। फिलहाल सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को खंगालने के साथ साथ जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि मृत छात्र वर्ग 9वीं में पढ़ता था जो शिव सागर थाना क्षेत्र के मझुई गांव निवासी चंद्रदेव बिंदी का 15 वर्षीय पुत्र रवि शंकर बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल लाश को लेकर जांच में जुटी हुई है। हमारा पब्लिक स्कूल धमुआरा अलीनगर दरभंगा बिहार शिक्षा के अनुकूल वातावरण उच्च कोटि के शिक्षक कम किताबों का बोझ लाने ले जाने के लिए गाड़ी की सुविधा जहां नामांकन प्रारंभ है नर्सरी से वर्ग 5 तक के पढ़ाई की व्यवस्था मूल सुविधाओं से लैस है हमारा पब्लिक स्कूल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं और मुस्तकबिल जिसको इंग्लिश में फ्यूचर बोलते हैं।